बट एक और 2047 की बात करती है आपकी सरकार, आप कार्यरत भी हैं, 100 साल होंगे हमारे भारत के 2047 में, एंड यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बिग ड्रीम्स दैट यू वांट टू फुलफिल टिल देन. बट दूसरी तरफ मिस्टर प्रधान, उड़ीसा की बात करें, आपके उड़ीसा की भी तो 100 साल हो रही है. इन 2036 यू विल बी कंप्लीटिंग 100 ईयर्स ऑफ द स्टेट ऑफ उड़ीसा. यहाँ मेरे दो सवाल हैं आपसे मिस्टर प्रधान. पहला ये कि भारत के विकास में उड़ीसा का कितना योगदान रहेगा, पहला. दूसरा और शायद थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल कि क्या इन 100 सालों में उड़ीसा जहाँ आज आकर खड़ा है, क्या वो वही मुकाम है जहाँ आप, आपके उड़ीसावासी इस स्टेट को देखना चाहते थे, या शायद कोई कमी रह गई? कोई कमी नहीं रहेगा. मैंने कहा शुरू में मैं पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति हूँ. दो चीज़ आपको एकदम रैपिड फायर जैसे आप पूछे और मैं भी उत्तर दे देता हूँ. भारत की विकसित होने की रास्ता उड़ीसा से ही है, पूर्वी भारत से ही है. हम ही नेतृत्व करेंगे देश की आने वाले 25 साल में. इंटेलेक्चुअल लीडरशिप में हमारी लड़के ही रहेंगे, हमारी बच्चियां ही रहेंगे, इसमें मेरे मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है. मैं स्पष्ट, जो लड़का रॉकेट उड़ा सकता है जी, किराना दुकान की बेटा अगर रॉकेट उड़ा सकता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये चंद्रयान 4 में जाएगा, पक्का मान के चलो. इसमें मैं दूसरा, ये जब नेशनल मोमेंटम बन गया है, भारत इरिवर्सिबल पोजीशन तक आ गया है. जब भारत बढ़ेगा और उड़ीसा उसकी लीड पोजीशन पर रहेगी तो उड़ीसा बढ़ना तय ही है. उड़ीसा कोई पीछे नहीं रहेगा, उड़ीसा बढ़ना तय ही है. और एक सोसाइटी की प्रेशर आती है. अभी आज की जनरेशन की जो उड़िया में देखता हूं ना, उस लड़कों के अंदर जो कॉन्फिडेंस में दिखता हूं जी, ये मैं तो, मैं भी, मैंने कहा मैं इस राज्य की छात्र युवा आंदोलन से आया हूं जी. मैं सच में अभी कभी कभी यंगस्टर्स को मिलता हूं, देखता हूं उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस चीजों के ऊपर समझना. हम तो एक बार हमको टीचर समझाते थे, मैं बहुत मैंने, मेरा एक अनुभव है कि हम बाद में उसको समझते थे, पीछे से समझते थे धीरे से. मैंने दीजिए क्या, मैं इसको कहना मेरा पोल खुल जाएगी, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ. क्या है, मैं लेट लर्नर, स्लो लर्नर, स्लो लर्नर. लेकिन आज के बच्चे कितना भी दुरंत पृष्ठभूमि के हो जी, उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हमें उड़िया लड़कों को क्या, मेरे जनरेशन में क्या था, हमको आता था आंसर, हम आंसर नहीं देते थे. इसीलिए नहीं देते थे, अरे गलती हो जाएगा तो मेरा सार नाराज हो जाएगा, फिर मित्र हंस देंगे, फिर वो जो क्लास में बैठी हुई लड़की वो जोर से हंस देगी, अरे छोड़ो यार कहे ना, नहीं चुप रह जाओ, उसमें हमारी कॉन्फिडेंस दब जाता था. आज के बच्चे इसे नहीं है जी, ये एकदम कॉन्फिडेंट है, वो आगे बढ़ जाएंगे. जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं.